अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है आप सबके वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन स्विंग विद आमिर जैसा कि आज आपको पता है कि हम दूसरा टी ट्वेंटी हार गए और सीरीज़ भी हार गए मैंने आपको अगर टी ट्वेंटी सीरीज़ हो शुरू होने से पहले आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो टी ट्वेंटी साइड ऑस्ट्रेलिया की इसको आप हल्का ना लें उनके जो पाँच छः बैट्समैन हैं प्रॉपर हैं और जो बॉलर्स हैं सारे टी ट्वेंटी के एक्सपीरियंस हैं और टिपिकल प्लेयर्स हैं और देख लें वही हुआ उन्होंने सीरीज़ भी हमसे जीत ली और बड़े मज़े से जीती है पहला टी भी उन्होंने बहुत ही मज़े से मारा हमें और आज भी लो स्कोरिंग वन करके उन्होंने जो है हमसे मैच जीत लिया है चौदह रन से उन्होंने किया 148 हमने किया जी 134 तो स्टार्ट होते हैं हम बॉलिंग से हमने आज तो हमने ब्लंडर्स जो कहते हैं ना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी देखिए जब अच्छा होता है तो हम सारे सपोर्ट भी करते हैं लेकिन जहाँ जहाँ पे गलती होगी वहाँ पे बताई भी जाती है कि यहाँ यहाँ गलती है और आई थिंक सबसे पहले तो हमने बॉलिंग में स्टार्ट अच्छा नहीं लिया पहले तीन ओवर पचास लगा हुआ था पर जिस तरह मैथ्यू शॉट और मर्ग ने स्टार्ट लिया था वो अनबिलीवेबल था मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की हिटिंग नहीं देखी पहले दो शारिया कुछ तीन बॉल हुए थे फोटी थ्री के फोर्टी फोर था और हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर्स वो इस तरह मार रहे थे जैसे मजाक है तो उसके बाद कम बैक किया हारिस ने नो no डाउट वो थ्रू आउट इस सीरीज़ में अच्छी बॉलिंग कर रहा है इसमें कोई शक ही नहीं है वनडे में भी थ्रू आउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और आज भी उसने और अब्बास ने अबास ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है वो थोड़ा सा कम बैक हुआ सुफियान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की हालांकि उसका दूसरा मैच था आई थिंक पहला या दूसरा उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की लेकिन हमने बहुत सारे ब्लंडर्स किए स्टार्टिंग में हमने नया बॉल बिल्कुल अच्छा नहीं किया हालांकि ये सिडनी में जो है वो स्लो विकेट होता है अर्ली ऑन जब मैच स्टार्ट होता है ना डे में अगर हो तो रात में फिर बाउंस होता है और स्विंग होता है लेकिन दिन में स्लो होता है और आगे से स्विंग नहीं होता और हमने पहले दो तीन ओवर यही किया कि स्विंग के चक्करों में गए हैं आगे बॉल किए और उन्होंने पहले तीन में पचास लगाया हुआ था और उसके बाद हमने जो माशाल्लाह फील्डिंग की है ना अनबिलीवेबल कि मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कमेंटेटर भी जो है ना वो हंस रहे थे फील्डिंग में हमने बहुत सारे लैपसीज़ किए हैं मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए एक इंटरनेशनल टीम का कि इतने सारे ब्लंडर्स और उसके बावजूद आपको मौका मिल गया था मैच जीतने का मुझे लगता है कि इतने सारे हमने ब्लंडर्स किए हैं उसके बाद भी हम मैच जीत सकते थे वन फोर्टी एट मुझे लगता है कि इस विकेट पे होना चाहिए था अगेन हमने बैटिंग में बहुत ही स्लो स्टार्ट लिया हम पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती कि एक तो आप ये देखें कि आपको हर सीरीज़ फास्ट बॉलिंग नहीं जिताएगी और अगर हम टी ट्वेंटी में बीस ओवर में डेढ़ सौ भी नहीं करेंगे चेज़ नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन मार्क तो आता है बैटिंग में भी हम पता नहीं क्यों फंसे फंसे खेलते हैं मुझे समझ नहीं आती अगर आप उनके कंपेयर करें उनके प्लेयर्स को तो उन्होंने पहली बॉल पे शहीन ने आगे किया उसने पहली बॉल पे मार दिया उन्होंने पहले तीन ओवर आप उठा के देख लें उन्होंने कोई बॉल रोका नहीं ओपनर्स ने भाई आजकल ऐसी क्रिकेट होती है और आप जो आप उनके स्ट्राइक रेट्स देखें जो आ रहा है 160 160 154 145 ये उनके स्ट्राइक रेट्स थे और हम 26 बॉलों पे 15 10 बॉलों पे चार पता नहीं क्यों हम वनडे सीरीज़ जीत के आए हुए हैं उनसे और उनकी मेन टीम से जीत के आए हुए हैं वो हम क्रेडिट जो है जितना भी हम दें कम है अपनी टीम को कि अगर आप इतनी बड़ी टीम से एक सीरीज जीत के आए हो तो आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई होना चाहिए वो वो हम ऐसे खेल रहे हैं कि जैसे हम सीरीज हारे हुए हैं वनडे वो जीत के आए हुए हैं तो ऐसे इतने ब्लंडर्स करके ना सीरीज जीती जाती है ना मैच जीता जाता है आपको कहीं ना कहीं वर्कआउट करना पड़ेगा वरना फिर बात वही मैंने आपको देखा पहले भी कहा था कि बिल्कुल हम वनडे सीरीज़ जीते हैं लेकिन यहाँ से हमने ऊपर जाना है ना कि दोबारा पीछे जाना है और हम उसी तरह मज़े से उनसे सीरीज़ आ रही हैं हालांकि हमारे पास बड़ा गोल्डन चांस था आज का मैच बराबर करके सीरीज़ जीतने का लेकिन हमने वो हाथ से गवाया क्योंकि हम जब टी ट्वेंटी देखें वो शॉर्ट फॉर्मेट है और इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है और आप जो टीम इसमें मार्जिन कम करती है वो जीत जाती है जो ज़्यादा करती है और हमने तो बहुत ही ज़्यादा किए ना आज और तीनों शोबों में किए एक में नहीं तीनों में किए तो आप देख लें सीरीज़ हमारे सामने हाथ से निकल गई मैच वो पंद्रह चौदह रन से जीत गए और फिर जॉनसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है उसने भाई पांच आउट किया उसने बताया कि नया बॉल कैसे करना है पुराना बॉल कैसे करना है किस लेंथ पे हिट करना है तो भाई जितना क्रेडिट दें उनकी टीम को काम है और जॉश इंग्लिश ने बहुत अच्छी कप्तानी की है दूसरा रिजवान का पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है हालाँकि वो इतना ब्रेव है कि जिस तरह की वो मैं कहता हूँ बहादुरों की तरह कर रहा है बैटिंग भी करे खुल के करे क्यों फंसा फंसा मुझे लग रहा है क्योंकि मैं रिजवान इतनी इस तरह फंस फंस के बारी नहीं करता जिस तरह वो लग रहा है पिछले दो मैचों से कि फंस फंस के बारी कर रहा है खुल के खेले कप्तान है फ्रे, फ्रेश माइंड से खेले और परफॉर्म करें थैंक यू एंड प्लीज़ जो है वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें थैंक यू